अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नफीशा का आशिया। आगे की वीडियो देखने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू। आज इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए चाहिए 1 kg चिकन। वैसे तो चिकन टिक्का जो है बोनलेस चिकन का बनता है, लेकिन आप अगर बोनलेस चिकन आपको अवेलेबल ना हो पाए तो आप ऐसे भी चिकन टिक्का मसाला बना सकते हैं। तो इसके लिए 1 kg चिकन ले लिया हमने, 500 ग्राम दही लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, लाल मिर्च पाउडर, हमने नींबू लिया है क्योंकि मैरिनेट करने के लिए हमको नींबू भी चाहिए, इसलिए हमने नींबू का रस लिया है, हल्दी लिया है, भुना हुआ बेसन लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह सत्तू भी यूज़ कर सकते हैं, गरम मसाला, नमक। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि हम चिकन टिक्का मसाला के लिए जो चिकन है उसको मैरिनेट करेंगे। आइए हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन मैरिनेट करने के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर कम से कम 5 से 6 चम्मच दही। उसके बाद हम लेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 chamach, जो नींबू हमने लिया था वो नींबू हम डाल देंगे पूरा, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना चटपटा और तीखा डालना है आप ले सकते हैं, 1 चम्मच नमक लेंगे हम, और जो हमने बेसन को भून के रखा था वो बेसन यूज करेंगे हम। आप चाहे तो इसकी जगह पे सत्तू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ भुना हुआ बेसन यूज कर रही हूँ। तो 2 से 3 आपको जैसा आप जितना चिकन ले रहे हैं, इसमें मैंने 1 kg चिकन लिया है इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच बेसन डाला है, और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। ये मैंने 1 चम्मच भर के गरम मसाला लिया है, ये मैं डाल दूंगी इसमें। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये मसाला पहले इसलिए ऐसे मिला लेना चाहिए क्योंकि अगर आप चिकन इसमें रख के और मसाले डालते हैं तो चिकन में मसाला उतनी अच्छे से मिल नहीं पाता है, सारे मसाले मिल नहीं पाते, इसलिए पहले आप अच्छे से मसाले को मिला लीजिए, उसके बाद इसमें आप जो चिकन आपका रखा हुआ है इसमें आप उस चिकन को डाल दीजिए। अब हम इसमें जो चिकन हमने रखा है धो के साफ करके उसको हम इसमें मिला देंगे। चिकन टिक्का मसाला जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से बनता है, लेकिन आप इस चिकन टिक्का मसाला को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आपको एकदम ढाबा स्टाइल चिकन टिक्का मसाले का रेसिपी मैं बता रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी भी है, और आजकल के टाइमिंग में सबके पास जो है टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो फिर आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसको आप मैरिनेट करके रख दें और फिर उसके बाद इसका जो आगे का प्रोसेस है वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, तो आप इस आराम से ये रेसिपी घर में ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से चिकन को पूरे मसाले में मिला दिया है, उसके बाद हम इसे मैरिनेट करके इसे हम 1 से 1/2 घंटा फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो मसाला है वो चिकन में हमारा मिल जाए। चिकन को मैंने मैरिनेट करके छोड़ दिया है ताकि वो थोड़ा जूसी हो जाए। चिकन मैरिनेट करके रख देने से उसमें जो है बहुत अच्छा वो जूसी और सॉफ्ट हो जाता है। अब हम चिकन टिक्का की जो मसाला है उसकी तैयारी करेंगे। चिकन टिक्का मसाला में मसाला रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 बड़े प्याज जिनको मैंने काट के ऐसे चॉपिंग करके ऐसे रख लिया है, 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने जिसको मैंने ऐसे कट करके रख लिया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है यहाँ मसाले के लिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी चिकन में लाल मिर्च डाला था, तो अब मुझे सिर्फ कलर के लिए चाहिए कि मसाले में थोड़ा अच्छा कलर आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। मैंने यहाँ काली मिर्च पाउडर यूज़ किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा है लिया मैंने,
जीरा पाउडर लिया है मैंने, हल्दी पाउडर और नमक और गरम मसाला। अब हम दिखाते हैं कि हम मसाला टिक्का के लिए जो मसाला बनाना है हम उसको कैसे बनाएं। एक बड़ी कढ़ाई ले ली है जिसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, जिस भी तेल में आप यूज़ करते हैं अपना खाना बनाते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और या रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग बटर भी यूज़ करते हैं इसमें, अगर आपको बटर भी यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तेल जब बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जो मेरे खड़े मसाले हैं, दो बड़ी इलायची और दालचीनी। उसके बाद हम इसमें जो हमने प्याज काट के रखा है उस प्याज को हम डाल देंगे। प्याज हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसमें भूनेंगे प्याज को, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम प्याज को इसमें अच्छे से मिलाएंगे। इसमें आप प्याज, अगर आपको चाहिए तो प्याज आप लंबे लंबे भी काट सकते हैं, बट मैंने इस तरह से चॉप करके इसमें प्याज को डाला है ताकि प्याज थोड़ा अच्छे से गल जाए और इसकी ग्रेवी जो है थोड़ा सा थिक भी हो जाए और थोड़ी क्रीमी वाला टेक्स्चर आ जाए उसका, इसलिए मैंने प्याज ऐसे कट किया है। अगर आप लंबे साइज में प्याज काटना चाहते हैं तो आप वैसे प्याज को काट सकते हैं। यहाँ हमारा प्याज जो है देखिए अच्छी तरह से थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हम इसमें अच्छी तरीके से मिला देंगे ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से भुन जाए। टमाटर अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, टमाटर हम थोड़ी देर में डालेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज अच्छे से भुन जाए। जब तक हमारा प्याज थोड़ा भून रहा है दूसरी तरफ हमारा जो चिकन है वो भी रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, तो हम उसको भी जो मैरिनेट करने के लिए रखे थे हम उसको भी बना लेते हैं, प्रोसेस में कर देते हैं, तो दूसरी तरफ हम उसको रेडी करते हैं। जिसके लिए हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा तेल डाल देंगे। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो जो हमने चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा था वो चिकन को इसमें एक एक करके हम एक एक पीस करके उठाकर इसमें डाल देंगे। मैरिनेशन में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, अगर आप मैरिनेट करके रख रहे चिकन तो उसमें आप थोड़ा सरसों का तेल डाल दें, इससे उसका टेस्ट है जो चिकन का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने लगता है सरसों के तेल का, तो अगर वो आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें तेल में एक एक करके चिकन जो है वो डाल देंगे और इसको हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे चिकन को दोनों तरफ पलट के तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये दोनों तरफ से थोड़ा लाल ना हो जाए। इस तरह से मैंने इसमें चिकन डाल दिया है और बाकी चिकन मैंने दूसरी बार के लिए रख दिया है ये, और इसको हमने लो फ्लेम पे रख दिया है ताकि ये धीरे धीरे लाल हो जाए दोनों तरफ। दूसरी तरफ हमारा प्याज और जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला तो वो भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें जो हमने टमाटर काट के रखे थे, 2 बड़े टमाटर, उसको हम इसमें डाल के अच्छे से उसको भुनेंगे। टमाटर डालने के बाद आपको जो ये प्याज और टमाटर का ये जो आप है जो बना रहे हैं ग्रेवी, आपको काफ़ी देर तक भूनना पड़ेगा क्योंकि टमाटर जो है डालने के बाद पानी छोड़ देता है, तो जब तक इसका पानी पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, और जब ये पानी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा और टमाटर पूरी तरीके से गल जाएगा तो किनारे में और तेल छोड़ देगा, खुद ही उससे पता चल जाएगा कि टमाटर गल गया है। उसके बाद हम जो बाकी मसाले हैं इसमें यूज़ करेंगे डालेंगे, तो जब तक आपका टमाटर अच्छे से भुन नहीं जाए आप इसको ऐसे ही इसमें पकाते रहें। यहाँ मैंने प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट यूज़ नहीं किया है,
तो अगर आपको पेस्ट यूज़ करना है और आप नहीं चाहते कि इस तरीके से मतलब खड़ा जो है छोटे छोटे चॉपिंग किए हुए टमाटर और प्याज को नहीं चाहते, तो आप पीस के भी इसका पेस्ट, जिनको एकदम फाइन वाला ये ग्रेवी पसंद है तो वो उसको पेस्ट भी यूज़ कर सकते, लेकिन आपको ज़्यादा टेस्ट जो है ऐसे ही कट करके डालने से ज़्यादा टेस्ट आता है, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। इस प्याज और टमाटर को हम और अच्छे से पकने के लिए इसको लो फ्लेम करके थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि ये और अच्छे से गल जाए। तो देखिए चिकन टिक्का में जो हमने चिकन डाला था वो एक तरफ से पक के अच्छे से लाल हो गया है। अब हम दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर रहे हैं, तो ये दूसरी तरफ जब अच्छे से लाल हो जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे। इसमें जाता है तो मसाले में कम टाइम लगेगा इसको पकने में। तो हमारा टिक्का पूरी तरीके से अच्छे से पक गया है, तो अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और जो बाकी के चिकन है उसको भी हम इसमें फिर से डाल देंगे। यहाँ हमारा टमाटर भी पूरी तरीके से भुन चुका है, अब जो सूखे मसाले हमने रखे हुए थे वो इसमें हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा, एक से आधा एक चौथाई चम्मच जो है वो हम डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, डेढ़ चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। नमक का यूज़ हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, जब हम अपना टिक्का इसमें डाल लेंगे मसाले में तो हमको नमक जैसा पता चलेगा कि इसमें कम है, तो अपने स्वाद अनुसार आप नमक इसमें डाल लीजिएगा। आधी चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर यहाँ मैंने यूज़ नहीं किया है इसमें मसाले सूखे मसाले में, क्योंकि मैंने इसमें जो है लाल मिर्च पहले ही डाला था तो मैंने लाल मिर्च इसमें नहीं डाला है लाल मिर्च पाउडर। अब इसलिए ताकि ये मसाले अच्छे से इसके साथ पक जाए। पानी डालने के बाद आप फिर इसे ढक्कन से अच्छे से ढककर और थोड़ी देर तक इस मसाले को पकाइए ताकि ये अच्छा भुन जाए मसाला इसमें। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला भुन रहा है और वो कितना प्यारा कलर आ रहा है अब इसका। तो थोड़ी देर हम इस मसाले को और भुनेंगे जब तक हमारा टिक्का भी दूसरी तरफ बन के रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा टिक्का हमने बनाया है उसको हम इस ग्रेवी में डाल देंगे जब तक हमारा मसाला भी अच्छे से भुन के रेडी हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट हम इसे फिर से और अच्छे से ढक के पका देंगे कि इसका तेल जो है पूरी तरीके से ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से भुन के रेडी हो जाए। तो देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से एकदम भुन गया है, पूरा तेल भी ऊपर अच्छे से आ गया है। तो ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, अब जो हमने चिकन टिक्का बना कर रखा हुआ है उसे हम पूरा इसमें डाल देंगे। हम इसे अच्छी तरीके से मसाले में मिला देंगे। देखिए हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा आया है, जैसा हमें चाहिए था एकदम वैसे ही कलर आया है। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत लोग इसमें फूड कलर भी यूज़ करते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं यूज़ करने की जगह, लेकिन आपका ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च से भी आपके मसाले का कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब इसमें हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे ताकि मसाला और चिकन अच्छे से पक जाए। इसमें अभी हम कसूरी मेथी भी डालेंगे, कसूरी मेथी जो है ऑप्शनल है, आप कसूरी मेथी की जगह धनिया पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कसूरी मेथी नहीं पसंद है या आप कसूरी मेथी नहीं डालना चाहते हैं तो, लेकिन हम लोगों को मतलब कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है कि चिकन में, इसलिए हम लोग इसमें कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम इसे ढक कर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा चिकन जो है टिक्का चिकन को हम 3 से 4 मिनट तक इसमें पकाएंगे, क्योंकि चिकन हमारा टिक्का जो है बनाते टाइम ही अच्छे से गल गया था
तो इसमें हम 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे। हमने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया है, आप चाहे तो कसूरी मेथी को भून के भी थोड़ा सा डाल सकते हैं तवे पे हल्का गरम करके, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको क्रश करके डाला है। अब इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे ग्रेवी के साथ। आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्सचर भी कितना क्रीमी टाइप में आया है। तो अब आप इसमें नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक थोड़ा भी कम लगता है तो स्वाद अनुसार आप नमक इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे मसाले में थोड़ा नमक कम है तो मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दूंगी। अब इसे हम फिर से 4 से 5 मिनट अच्छे से ढककर पका देंगे। अब इसे हम तो फाइनली हमारा चिकन टिक्का मसाला बनकर रेडी हो गया है। इसमें चिकन भी पूरी तरह से गल गया है और देखिए तेल भी अच्छे से रिलीज़ हो चुका है, मतलब कि चिकन और मसाला दोनों अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे किसी बाउल में निकालते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस दिख रहा है चिकन टिक्का मसाला। आप इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर सकते हैं। आप इसे किसी भी तरह की रोटी या राइस, जो भी आपको ज़्यादा प्रेफर करते हो, उससे आप खा सकते हैं। तो इस इजी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में, और ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आएँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.